देश में ठंड अपना जमकर असर दिखा रही है। कहीं बर्फ तो कहीं बारिश होने के चलते पारा नीचे गिर गया है, जिसके चलते सर्द हवाएं बढ़ गई हैं। दिन में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। वहीं छिंदवाड़ा जिले का भी तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते रात में ठंड जमकर पड़ रही है। इसी की व्यवस्था को देखते हुए जिले के निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले देर रात शहर के गोधोली वृद्धाश्रम पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वहां रह रहे वृद्ध वृद्धाओं से ठंड को लेकर व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। लोगों के साथ मिलकर ठंड में अलाव का मजा लिया और स्वच्छता भी देखी। वहीं वृद्धाश्रम में ठंड की व्यवस्था को लेकर बुजुर्गों में भी हर्ष व्याप्त है। इस दौरान निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले ने शहर में बनी गौशाला का भी देर रात निरीक्षण किया। गौशाला में जाकर मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें जूट के कपड़े पहनाए, ताकि मवेशियों को ठंड ना लगे। साथ ही निगम आयुक्त ने बताया कि शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला हॉस्पिटल सहित 10 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हमारे आश्रम में खूब अच्छी व्यवस्था, और जिनने आश्रम बनाए उनको बार बार शुक्रिया, भगवान आशीर्वाद दे रहे, जो छत दिए हमको रहने के लिए, कपड़े लगे का, खाना पीना सब दे रहा। आज हमारे घर में भी इतनी सुविधा नहीं है, तेल साबुन सब मिलता है, और हमारे कर्मचारी बहुत ही सुबह गर्म पानी सब। को देखते हुए काफी तेज ठंड के साथ साथ हवाएं भी चल रही है, और जिससे हमारे शहर में जो है ठंड पड़ गई है, और हम लोगों ने लगभग 10 जगह अलाव की व्यवस्था करवाई है। बस स्टैंड है, वृद्धाश्रम है, जो हमारा रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, इन सभी जगह जहाँ की बाहर के भी लोग आके रुकते हैं और रहते हैं, उनकी अलाव की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही इंसान के साथ साथ जानवरों को भी ठंड लगती है, और जो हमारी गौशाला है यहाँ भी हम लोगों ने हर संभव यह प्रयास किया है कि इनको ठंडी हवा में न लगे और हवा से कोई जानवर की मौत ना हो। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।